रमजान का महीना है, मालदार लोग, साहिब निसाब लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि ज़कात, सदका, खैरात किस मुस्तहिक को देना चाहिए, मगर ले दे के रमजान के आते ही सड़कों पर, मस्जिदों के बाहर, गलियों के बाहर काले, पीले, अड़े, तीड़े और लंगड़े लूले भिखारियों के अलावा हमारी कौम को कोई मुस्तहिक नजर ही नहीं आता। और उन्हीं को देकर वो ये समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया, हमारी ज़कात सदका अदा हो गया। हकीकत यह है कि हम लोग ज़कात, सदका, खैरात को बोझ समझने लगे हैं और उसे जल्द अज जल्द उतार कर फेंकना चाहते हैं। इसीलिए कम से कम फासले पर, नजदीक से नजदीक, कम से कम वक्त में ये फर्ज कैसे अदा हो जाए, यही सोचते हैं। और हमारी इसी सुस्ती, गफलत की वजह से उम्मत के लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपये ठग लोग, फ्रॉड लोग, नकली लोग लेकर उड़ जाते हैं और अय्याशिया करते हैं। और साहिब निसाब लोग और मालदार लोग ये समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। अरे भाई मालदारों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात और आपका सदका और आपकी खैरात मुस्तहिक, असल मुस्तहिक के काम आए, तो कुछ हिम्मत कीजिए। मालदारी का गुरूर, दौलतमंद होने का घमंड किसी गंदी पोटली में बांधकर टॉयलेट में फ्लश कीजिए और कुछ हिम्मत कीजिए, कुछ वक्त निकालिए, अपने ऐश कदों से बाहर निकलिए, मुस्तहिकीन और गरीब लोगों को तलाश कीजिए, उनके पास जाइए, और अगर आपको वो मिल जाए तो जरा नजरें झुकाकर, शर्मिंदगी के साथ इमदाद का थैला पकड़ाकर उल्टे कदमों से लौट आइए और दो रकात शुक्राना पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपके माल को कबूल किया और आपकी मुलाकात असल मुस्तहिक से करा दी और आपके माल को अल्लाह ने पाक कर दिया। तो पहले यह बात जान लीजिए कि कुरान पाक के मुताबिक असल फकीर और मुस्तहिक कौन है, किन को हम अपनी ज़कात, सदका और खैरात देकर सवाब दारैन हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक में लिल फुकराई वल मसाकीन, आपके माल के हकदार फुकरा यानी फकीर और मिस्कीन है। और फकीर हम उन भिखारियों को समझते हैं जो सिग्नल पर या मस्जिद के बाहर खड़े होकर या हमारा दरवाजा खटखटाकर हमसे बड़े पेशावर तरीकों से भीख मांगते हैं, कभी ऑडियो लगाकर, कभी स्पीकर लगाकर, कभी गाना गाकर। ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्हें 1 लाख रुपए भी दे दिए जाए तो ये दूसरे दिन भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये भीख अपनी जरूरत के लिए कम और अपने नशे के लिए और अपने चरस और गांजों के लिए ज्यादा मांगते हैं। ऐसे भिखारियों की तादाद बढ़ाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। आज हमारी सुस्ती और गफलत की वजह से हमारे मुल्क में 4 भिखारियों में 3 भिखारी मुसलमान होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि जिसने अपनी जरूरत पूरी हो जाने के बावजूद अगर सवाल का हाथ फैलाया तो उसने अपनी जहन्नम की आग में इजाफा किया। कुछ मालदार तो ऐसे हैं कि वो इंतजार करते हैं कोई उनके पास आए, उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अपनी हाजत, अपनी मुसीबत, अपनी जरूरत बयान करे, फिर ये सेठ साहब उनको बहुत सारी नसीहतें करे, फिर थोड़ा सा माल इस अंदाज से दे कि जैसे बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर ये उम्मीद भी करते हैं कि साल भर सेठ साहब कहीं भी नजर आए तो रुक के उनको सलाम किया जाए। सोचिए इस नीयत से क्या उनको सवाब मिलेगा। खूब समझ लीजिए, फकीर का मतलब ये भिखारी नहीं है जो बाहर सड़कों पर भीख मांगते हैं। फकीर ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसके पास कुछ ना कुछ माल और असबाब हो, जरूरियाती जिंदगी का सामान हो, मगर वो साहेब निसाब ना हो, उसकी कमाई उसके खुद के लिए और उसके फैमिली के लिए नाकाफी हो। और मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो। और ऐसे लोगों की हमारे आसपास कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों को ज़कात, सदका और खैरात देने से वो फजीलत मिलेगी जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया है। सबसे पहला हक आपकी ज़कात, सदका और खैरात का आपके गरीब रिश्तेदार है जिनको ज़कात देने में डबल सवाब है, एक ज़कात देने का और एक सिला रहमी करने का। मगर क्या करे, हमारी तो रिश्तेदारों से बनती ही। फिर दूसरा हक गरीब पड़ोसियों का है जिनसे हमने कई दिनों से बात बंद कर रखी है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, मामूली नौकरी करते हैं और इतना कमाते हैं कि जिनसे सिर्फ उनकी फैमिली फाके से बच सके। और कुछ बुजुर्गों और जयीफों को हम देखते हैं कि 60 साल 70 साल की उम्र में भी फल फ्रूट का ठेला लिए घूमते हैं। मालदारों, कभी इनके नजदीक जाकर पूछो कि ये नौबत क्यों आई, क्यों इस बुढ़ापे के अंदर, इस पीराना साली में, इस जयीफी में खून पसीना बहाने की जरूरत पड़ रही है। आपको पता करने पर मालूम होगा कि इनकी कोई सख्त मजबूरी होगी जो इस हालत में भी उनको कमाने पर मजबूर कर रही है। उनकी आमदनी ही ऐसी होगी जिससे घरेलू अखराजात पूरे नहीं हो रहे होंगे।
और खुददार होने की वजह से दूसरों के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। यह है असल मुस्तहिक, यह है असल फकीर जिसको कुरान पाक ने फकीर कहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगते, पेट काटते हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, जिनके बच्चे हसरत से पकौड़ों और समोसों और बिरयानी को देखते हैं और आंसुओं का घूंट पी जाते हैं, जो पड़ोसियों के घरों से आने वाली अच्छी अच्छी खुशबुओं से बेचैन हो जाते हैं मगर थूक निगलकर रात का बासी खाना खा लेते हैं, मस्जिदों में आने वाले वो खुददार नमाजी जिनके कपड़े और चप्पलों से आपको उनकी गरीबी का अंदाजा हो जाएगा, वो ऐसे खुददार होते हैं कि अगर उनसे पूछा भी जाए कि आपने इफ्तारी की, आपने खाना खाया, तो वो नकली डकार मार कर ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है इतना खाया कि बदहजमी होने वाली है, हालांकि वो इतना खाए हुए नहीं होते हैं। उनको मिलिए, उनको सलाम कीजिए, थोड़े से हालात मालूम कीजिए और हदिया तोहफा बोलकर उनके हाथ में कुछ पैसे थमा दीजिए, वो जरूर अपने घर ऐसा कुछ लेकर जाएंगे जिनकी उनके बच्चों को और उनके फैमिली को जरूरत होगी। ये वो लोग हैं जो आपके खैरात और ज़कात और सदकात के हकदार होते हैं, जिन्हें हमें ढूंढने और तलाश करने का हुक्म है। उनको देने के बाद ऐसे बीमारों को तलाश करो जो कई महीनों से या कई दिनों से कई सालों से बीमार चल रहे हैं, दवाखानों के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं या लुटा रहे हैं, दवाखानों के चक्कर में कर्जदार हो चुके हैं, उनका बोझ जरा कम कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। अगर आप उनको अपनी ज़कात और अपनी सदकात, अपने खैरात, हदिया तोहफा बोलकर देंगे और उनकी जब बोझ कम हो जाएगा, उनका कर्ज कम हो जाएगा, फिर उनकी जो दुआ निकलेगी, जो दिल से सदा निकलेगी, वो आसमान का सीना चीर देगी। कुछ ऐसे कर्जदार भी आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के कपड़ों के लिए पिछले ईद को कर्ज लिया था लेकिन आज तक चुका नहीं पाए और अब फिर रमजान आ गया। ऐसे लोगों का बोझ कम कीजिए, ऐसे लोगों को, ऐसे मुस्तहिक लोगों को आप अपने ज़कात और अपने सदकात और अपने अतियात और अपना माल दीजिए और उनसे दुआएं लीजिए। इनसे निबट जाए तो ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो सिर्फ पैसे न होने की वजह से अपनी जवान बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं और बेटी की उम्र निकलती जा रही है, जो बेटी अपनी जवानी और अपने बाप की गरीबी को कोस रही है। ऐसी बेवाओं की तलाश कीजिए जिनके शौहर मर गए, वो बेसहारा हो गई और उनकी नालायक और बेवफा औलादों ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। उनके बाद गलियों में ऐसी छोटी छोटी राशन की दुकानें तलाश कीजिए, उनसे पूछिए कि कौन है ऐसा जिन्होंने तुमको राशन का बिल अब तक नहीं दिया कई महीनों से, उस मुस्तहिक को बुलाइए, उस जरूरतमंद को बुलाइए, उनको अपना पैसा दीजिए। वो कितना मजबूर और कितना जरूरतमंद होगा जिसने अपने राशन के लिए भी कई महीनों से पैसा नहीं दिया होगा, उनकी दुआएं लीजिए और उनको उनका राशन भर के दीजिए और उनके पिछले राशन का बिल अदा कीजिए। हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान और बर्मी मुसलमान पनाह गुजी हैं, वो आपकी ज़कात और आपके सदकात और आपके एहतियात का इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी इमदाद और आपकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। उनके भूखे पेट और उनके नंगे बदन को देखकर गैर मुस्लिम भाइयों को और सिख भाइयों को रहम आ गया, वो आगे बढ़कर इंसानियत के नाते उनकी इमदाद कर रहे हैं। और हम यहाँ मस्जिद और मदरसों में एसी और मार्बल लगा रहे हैं, हमने मस्जिदें इतनी कीमती बना दी है कि अब वो मस्जिदें कम कोठियां ज्यादा लगने लगी है, उनकी हिफाजत के लिए ताले लगाने पड़ रहे हैं और मुहाफिज और चौकीदार रखने पड़ रहे हैं। अरे मालदारों, ये माल तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है, उस पर नाक बनकर मत बैठो, ये दौलत बड़ी बेवफा माशूका है, आज आपकी बाहों में है तो कल किसी और की बाहों में होंगी, मरना है, खुदा के पास जाना है, एक एक पाई का हिसाब देना है, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिटे नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अगर हम अपनी रमजान की मसरूफियात और ईद की तैयारियों में से थोड़ा सा वक्त निकालकर उन गरीब और मुस्तहिक और मजबूर लोगों की मदद करेंगे तो हमारे काम इतने मुतासिर नहीं होंगे लेकिन उन लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाएगी और ये आसानियां उनके फीके फीके से त्योहारों में खुशियां भरने के साथ साथ उनकी जिंदगी की मुश्किलात को कम करेगी। और आपको दूसरों की मदद करने में जो खुशी और जो मिठास अल्लाह पाक ने रखी है उसका एक अजीब एहसास आपको होगा, आपको पहली बार अपने मालदार होने पर हकीकी फख्र होगा। अल्लाह तबारक व तआला असल मुस्तहिकीन तक और असल मजबूरों तक अपने ज़कात और सदकात को पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।